हे गाइस, वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट। आज है आपकी 20 जनवरी 2020 और अब हम करने वाले हैं आपके आज के करंट अफेयर्स। आपके आज के करंट अफेयर्स द हिंदू के एनालिसिस के बेसिस पर बनाए गए हैं, जिनको मैंने एमसीक्यू फॉर्म्स में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, आप चाहे तो उसको डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह भी याद कर सकते हो। आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें तो आप उसका एक्सप्लेनेशन सभी क्वेश्चन के नीचे पढ़ सकते हो, और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है पढ़ने का तो आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हो पीडीएफ को डाउनलोड करके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से। बट उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप सुन के याद करते हो और सुनकर समझते हो, उतनी ज़्यादा आप खुद से पढ़ने से याद नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट कर। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ और यार, आप वीडियो देख लेते हो, लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ वो कर दिया करो, क्योंकि लाइक और शेयर ही मुझे मोटिवेशन देती है आपको और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका, आर्मी डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डेट? आर्मी डे आपका 15 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CRPF DG? तो CRPF DG का न्यू कौन अपॉइंट किया गया है? ठीक है, CRPF का जो DG है वो किसको अपॉइंट किया गया है? सो ये इसका नाम है आपका आनंद प्रकाश महेश्वरी। नेक्स्ट है आपका, गगनयान स्पेस एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड इन विच कंट्री? सो गगनयान स्पेस एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग जो है वो किस कंट्री में कंडक्ट कराई गई थी? तो करेक्ट आंसर है आपका ये रशिया में कंडक्ट हुई है। नेक्स्ट है आपका, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स डैश फाउंडेशन डे। सो रिसेंटली आपका इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी रिसेंटली सेलिब्रेट किया फाउंडेशन डे, तो वो किस कौन सी वाली उन्होंने अपनी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया? तो इन्होंने 145th सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट हैज़ साइन मऊ विथ IUCN टू रेड लिस्ट ऑर्चिड? सो किस स्टेट ने साइन किया है मऊ IUCN को टू रेड लिस्ट ऑर्चिड्स को? सो करेक्ट आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है गाइस आपका, हु इनॉग्रेटेड एग्जीबिशन ऑन इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस? सो किसने इनॉग्रेट किया है एग्जीबिशन ऑन इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस? सो करेक्ट आंसर है आपका प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट है आपका, हु लॉन्च्ड वेलफेयर स्कीम फॉर वुमेन इन गोवा? सो गोवा में वेलफेयर स्कीम वुमेन्स के लिए किसने लॉन्च करी? सो करेक्ट आंसर है आपका स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू ओपन अ न्यू रिसर्च बेस इन अंटार्कटिका? सो किस देश ने अनाउंस किया एक न्यू रिसर्च बेस अंटार्कटिका में? सो करेक्ट आंसर आपका ब्राज़ील। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन डेलॉइट फुटबॉल मनी लीग इन 2018-2019? सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एंड दैट इज़ बार्सिलोना। नेक्स्ट है आपका, विच कंट्री रिमूव्ड करेंसी मैन्यूपुलेटर लेबल एट इम्पोज्ड ऑन चाइना ऑन 2019? ठीक है, सो किस देश ने रिमूव करी अपने करेंसी मैन्यूपुलेटर लेबल एट इम्पोज्ड ऑन चाइना, जो कि चाइना पे लगाया गया था 2019 में? सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, एंड दैट इज USA। नेक्स्ट है आपका, इसरो टू लॉन्च GSAT-30 ऑन 17th of January फ्रॉम विच प्लेस? सो इसरो अपना GSAT लॉन्च किया है उन्होंने 17 जनवरी को, तो वो उन्होंने अपना GSAT-30 लॉन्च किया है 17 जनवरी को इसरो ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 100% आपका किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, सो के कौन सी 17 जनवरी को जो लॉन्च किया, तो वो उन्होंने कहाँ से लॉन्च किया? सो करेक्ट आंसर है आपका इसका आपका फ्रेंच जेनुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड द लिस्ट ऑफ ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस 2020? सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड, किसने रिलीज करी है आपकी ग्लोबल लिस्ट हेल्थ चैलेंजेस की 2020 की? सो करेक्ट आंसर है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, इंडिया विथ विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड मऊ टू डीपन डिफेंस कॉरपोरेशन? सो इंडिया ने किस देश के साथ अपना मऊ साइन किया है रिसेंटली टू डीपन डिफेंस कॉरपोरेशन के लिए? ठीक है, कोऑपरेशन के लिए। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, एंड दैट इज फिनलैंड। नेक्स्ट है, हु विल बी अपॉइंटेड द थर्ड इंटरनल मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? सो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का थर्ड मेंबर, इंटरनल मेंबर कौन होगा? सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, एंड दैट इज जनक राज। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स? सो किसको अपॉइंट किया गया आपका डिप्यूटी गवर्नर RBI का फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए? सो करेक्ट आंसर है आपका माइकल देवव्रता पात्रा। नेक्स्ट है गाइस आपका, फ्यूल कंजर्वेशन मेगा कैंपेन सक्षम
has recently inaugurated in which city? So इसका correct answer है आपका New Delhi. Next है आपका सहयोग केजिन is a joint exercise between India and which country? So सहयोग केजिन आपकी एक joint exercise है दो देशों के बीच, उसमें एक आपका India और दूसरा आपका जापान है. ठीक है, next है who is to launch the first girder of the Mumbai Trans Harbour Link? So correct इसका answer है आपका उद्धव ठाकरे. Next है which of the following has triggered despite mechanism on Iran nuclear deal? So which of the following has been triggered dispute mechanism on Iran nuclear deal? So correct answer hai aapka European Union. Theek hai, next hai, next or last question hai guys aapka. Central Adoption Resource Authority celebrated its dash annual day. Theek hai, dash annual day, to ye aapka 5th annual day. सो गाइस, अगर आप इसको रीड करना चाहते हो तो आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक से. और प्लीज़ आप किसी ना किसी ग्रुप में ज़रूर ऐड होगे, तो वी सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ और ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो. सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपकी रीजनिंग की क्लास में या फिर जनरल अवेयरनेस की क्लास में. सो विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.